हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एस डब्ल्यू जी स्टडी विद गुरुकुल्स और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड इंटेलिजेंस इन इंडिया फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था कि क्या होती है इंटेलिजेंस एंड इसका मीनिंग क्या है क्या टाइप्स होती है और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स विच आर देयर तो फ्रेंड्स अगर आपने भी वीडियो पहले नहीं देखी है इंटेलिजेंस को तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियोस बिफोर यू वॉच दिस वन ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट फ्रेंड्स वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं बट ब्रॉडली वी कैन क्लासीफाई दैम इंटू दीज द फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल टेस्ट ग्रुप टेस्ट सेकेंड वन थर्ड इज़ अ वर्बल टेस्ट फोर्थ वन इज द नॉन वोबल टेस्ट एंड फिफ्थ परफॉर्मेंस टेस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैम वन बाई वन तो फर्स्ट है इंटीविजल इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दीज टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड ओनली टू वन पर्सन एट अ टाइम मतलब फेज टू फेज वन ऑन वन बेसिस ये टेस्ट किए जाते हैं एंड इस टेस्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है साइकोलॉजिस्ट होता है उसको एम्पल अपॉर्चुनिटी या टाइम मिलता है रेपो एस्टैब्लिश करने के लिए विद द पर्सन जिसका हम टेस्ट कर रहे होते हैं विद द सब्जेक्ट एंड यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है वो सेंसिटिव भी होता है टू द फीलिंग्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड जो सब्जेक्ट है जिसका हम टेस्ट ले रहे हो उसकी फीलिंग मूड और एक्सप्रेशन को भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि वन ऑन वन बेसिस हो रहा होता है तो उसकी रेलिवेंस और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है और भी वैलिड हो जाता है इन दिस द सब्जेक्ट्स आर अलाउड टू आंसर ओरली और इन रिटर्न फॉर्म मतलब इसमें जो सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से आंसर कर सकते हैं चाहे बोल के चाहे रिटर्न फॉर्म में और मैनिपुलेट कर सकते हैं मैं अकॉर्डिंग टू दैट और एज पर द टेस्टर्स इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे क्योंकि वन ऑन वन बेसिस हो रहा होता है तो जैसे जैसे टेस्टर जो बोलता जाता है वैसे वैसे सब्जेक्ट करता जाता है तो इसमें क्या है देर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू द सब्जेक्ट बट जब हम बात करते हैं ग्रुप टेस्ट की जैसे कि नाम से पता चल रहा है ग्रुप टेस्ट मतलब इट इज एडमिनिस्टर्ड टू सेवरल पर्सन साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे वन टाइम पे हम बहुत सारे लोगों को ये टेस्ट दे सकते हैं तो ये टेस्ट कब करते हैं जब हमें स्क्रीनिंग करनी होती है जैसे आर्मी में स्क्रीनिंग करनी होती है बहुत सारे बच्चे अपियर होते हैं एंट्रेंस टेस्ट में फाइव थाउजेंड तो उनको क्या करते हैं फाइव हंड्रेड के छोटे छोटे ग्रुप बना के उनकी जो है हम स्क्रीनिंग करते हैं तो तब देते हैं ऐसे ग्रुप टेस्ट तो ऐसे ग्रुप टेस्ट में क्या होता है इसमें टेस्ट जो एग्जामिनर होता है जो साइकोलॉजिस्ट होता है टेस्टर होता है वो तो एक ही होता है तो इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हम सब लोगों से वन ऑन वन बेसिस मिल पाए सो देर इज नो अपॉर्चुनिटी टू बी फैमिलियर विद द सब्जेक्ट एंड इसमें क्या है ज्यादा फ्रीडम भी इसलिए अवेलेबल नहीं होती है सो इन दिस का दिसन आंसर इसमें जो है बोल कर आंसर नहीं लिया जा सकता क्योंकि तो मान लीजिए एक एग्जामिनर तो फाइव हंड्रेड लोगों से कैसे ओरली होगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और फिजिबल भी नहीं होता है तो ज़्यादातर ये जो ग्रुप टेस्ट होता है वो रिटर्न फॉर्मेट में होते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं सबको जो है एक रिटर्न टेस्ट परफॉर्मर पकड़ा दिया जाता है एंड उनकी आंसर शीट कलेक्ट कर ली जाती है यूजली ग्रुप टेस्ट ऐसे होते हैं नेक्स्ट आ रही वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट ये भी नाम से पता चल रहा है वर्बल मतलब ओरली एंड और नॉन वर्बल मतलब जिसमें ओरली की आवश्यकता नहीं है तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो जो है वो वर, पूरा वर्बल टेस्ट भी हो सकता है फुल रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है और फुली परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है या फिर इन तीनों के मिक्सचर भी हो सकता है तो जब हम वर्बल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें क्या है इट रिक्वायर द वर्बल रिस्पॉन्स आइदर ओरली और इन रिटर्न फॉर्म एंड ये इसमें क्या होता है जैसे होता बताया ओरली इसमें आंसर देने होते हैं एंड इट कैन बी एडमिनिस्टर ओनली टू लिटरेट मतलब जो पढ़ सकते हैं उन्हीं को ये टेस्ट हम करवा सकते हैं एज जो नॉन वर्बल है जिसमें कि पिक्चर्स और इलिस्ट्रेशंस का रिप्रेजेंटेशंस का डायग्राम्स का मतलब और कुछ एक्टिविटी कराने का होता है तो वो होता है नॉन वर्बल टेस्ट इसमें क्या होता है इन दीज द सब्जेक्ट एग्जामिन इनकम्प्लीट पैटर्न या फिर चूज़ फ्रॉम द फिगर्स उसमें क्या करते हैं हम सब्जेक्ट्स को इनकम्प्लीट पैटर्न दे देंगे चूज़ करने के लिए या कुछ फिगर्स से पैटर्न बनाने के लिए समझने के लिए दे देंगे और इट कैन बी एडमिस्टर टू एनी कल्चर और टू इलिटरेट इलिटरेट लोगों के लिए ये नॉन वर्बल टेस्ट से हम इंटेलिजेंस नाप सकते हैं तो बेसिकली जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए हम जो ये परफॉर्मेंस टेस्ट कह लीजिए या फिर एक्टिविटी टेस्ट भी कह सकते हैं नॉन वर्बल टेस्ट उनको हम करा सकते हैं टू नो देयर इंटेलिजेंस लेवल जैसे कि एग्जाम्पल है परफॉर्मेंस टेस्ट का आर पी एम दैट इज अ रेबंस प्रोग्रेसिव मेट्रसिस जो कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है तो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट क्या होता है इट रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड अदर मटेरियल टू परफॉर्म अ टास्क इसमें क्या कुछ एक्टिविटी दे देते हैं या कुछ मटेरियल दे देते हैं एंड उनको साइमल्टियसली हम इंस्ट्रक्ट करते जाते हैं कि उनको करना क्या है इसमें रिटर्न लैंग्वेज की कोई आवश्यकता नहीं होती है इसलिए इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेट टू द लो लिटरेसी लेवल मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उनको ही अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है और किसी भी कल्चर के पर्सन को भी दिया जा सकता है वन इज़ द कोज ब्लॉक डिज़ाइन कंटेनिंग वुडन ब्लॉक्स इसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं जैसे मैं आरपीएम के बारे में बताए थे आरपीएम क्या है रेवन मेट्रिसिस इसमें क्या है एक नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट है जिसमें कि हम एब्सट्रैक्ट रीजनिंग जानने की कोशिश करते हैं एक इंडिविजुअल की सो so, ये एक प्रोग्रेसिव टेस्ट है प्रोग्रेसिव मतलब पहले सिंपल क्वेश्चन होते हैं और फिर हार्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करते जाते हैं एंड इसमें मैट्रिस में इसमें होता क्या है क्या डिटरमाइन करना होता है इस टास्क में ऐसा होता है कि मिसिंग एलिमेंट पैटर्न दिया जाता है उसमें एक मिसिंग एलिमेंट होता है एंड विच इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इसीलिए इसका नाम रखा हुआ रेवेंस रेविंस मैट्रिस प्रोग्रेसिव मैट्रिस इट्स एन आई क्यू टेस्ट जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं एंड इससे हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग निकालने की कोशिश करते हैं और इन ईच टेस्ट क्वेश्चन द चाइल्ड इज आज टू आइडेंटिफाई द मिसिंग आइटम जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं ना वन टू थ्री ये देखिए वन टू थ्री तो इसमें ऑप्शंस दिए होंगे कि अब नेक्स्ट मिसिंग क्या है इसमें देखिए फर्स्ट ब्लॉक ब्लैक है फिर सेकंड है फिर थर्ड है तो फिर क्या आना चाहिए फोर्थ आना चाहिए सिमिलरली इसमें भी देखिए फर्स्ट पोर्शन जो है ये ब्लैक है फिर सेकंड है फिर थर्ड और फिर फोर्थ है तो इसी में से मिसिंग क्या है इसके ऑप्शन दिए जाते हैं एंड उसमें इसका टाइम पीरियड भी नोट किया जाता है नेक्स्ट जो हम बता रहे थे कोज ब्लॉक डिज़ाइन को ब्लॉक डिजाइन क्या है ये भी एक परफॉर्मेंस टेस्ट है टू मेजर द इंटेलिजेंस टेस्ट एंड इट कैन बी गिवन टू एनी पर्सन ऑफ एनी कल्चर और लिटरेट और इलिटरेट किसी को भी दे सकते हैं इसमें क्या होता है सिक्सटीन कलर्ड क्यूब्स होते हैं सेवनटीन कार्ड्स होते हैं एंड कलर डिज़ाइन जिसपे बने होते हैं तो सब्जेक्ट सपोज टू डुप्लीकेटेड मतलब सब्जेक्ट को कार्ड दिए जाते हैं ब्लॉक्स दिए जाते हैं एंड उसको बोला जाता है कि ब्लॉक जो ब्लॉक डिज़ाइन उस कार्ड पर है वो बनाए तो जो ब्लॉक डिज़ाइन है वो एक इंडिविजुअल की एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज एंड एब्रैक्ट डिज़ाइन उसको नापने की कोशिश करते हैं एंड उसमें क्या होता है एक इंडिविजुअल का टाइम पीरियड भी नोट किया जाता है कि कितनी जल्दी वो उस डिज़ाइन को बना लेता है तो इसमें क्या क्या देखा जा सकता है स्पेशल विजुलाइजेशन एनालिसिस एनालिसिसमिलटेनियसली प्रोसेसिंग विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन डेक्सलिटी नॉन वर्बल कंसेप्ट फॉर्मेशन ये सारे कोज ब्लॉक डिजाइन के पैरामीटर्स हैं तो ये एक नॉन एक जो है परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है आप देख सकते हैं इसमें ये कार्ड है और ये ब्लॉक्स है एंड उसको देख के ये बच्चा बना रहा है न इंटेलिजेंस इंडिया में क्या मायने रखता है वेस्टर्न कल्चर में तो इंटेलिजेंस जो है कॉग्निटिव पैरामीटर से नापा जाता है कि बट uh, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस को जो है मल्टीफेस देखा गया है मतलब बहुत तरीके तरीके के इंटेलिजेंस और बहुत सारे इसके अंदर सब एंटिटीज़ होती है जैसे कि कॉग्निटिव कैपेसिटी है इसमें uh, क्या देखते हैं सेंसिटिविटी टू द कॉन्टेक्स्ट मतलब पर्सन किस टॉपिक को लेके कितना सेंसिटिव है अंडरस्टैंडिंग कितनी है डिस्क्रिमिनेशन वेदर ही वेदर ही और द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट और नॉट उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता कितनी है उसकी कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव है तो ये हम इंडियन जब हम ट्रेडिशनल इंडियन कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं इंटेलिजेंस के तो कॉग्निटिव कैपेसिटी में हम ये देखते हैं नेक्स्ट वी सी द सोशल कॉम्पिटेंस रेस्पेक्ट ऑफ द सोशल ऑर्डर मतलब हम बड़े बूढ़ों की इज्जत करना रिस्पेक्ट करना कमिटमेंट टू द एल्डर्स एंड लव टू द यंग एंड नीडी वन एंड कंसर्न अबाउट अदर्स दर्स्पेक्टिव ये सब जो है हमारी इंडियन वैल्यूज़ है जिसको कि इंटेलिजेंस का एक पार्ट माना जाता है नेक्स्ट इसी इमोशनल कॉम्पिडेंस इमोशनल कॉम्पिडेंस मतलब आप कितने सेल्फ uh, रेगुलेटेड हो कितनी सेल्फ मॉनिटरिंग आपके इमोशंस पे आप इमोशंस को काबू में करके या फिर कहे कंट्रोल करके कैसे अपना काम कर सकते हो आपकी ऑनेस्टी कितनी आप कितने पोलाइट हो आपका कैरेक्टर कैसा है गुड कंडक्ट है सेल्फ इवेल्यूशन है ये सब जो है हम इमोशनल कॉम्पिटेंस में लेते हैं विच मेक द पार्ट ऑफ द इंडियन इंटेलिजेंस सिस्टम नेक्स्ट इज द एंटरप्रेनरल कॉम्पिटेंस मतलब एंटरप्रेनर्स मीन खुद से कुछ खड़ा करने की मतलब कुछ बड़ा सोचने की क्षमता जिसमें कि आपका कमिटमेंट आ जाता है परसिस्टेंस पेशेंस हार्डवर्क विजिलेंस एंड गोल डायरेक्शन तो ये क्षमता भी इंटेलिजेंस में मापी जाती है व्हेन वी टॉक ऑफ द इंडियन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस तो फ्रेंड दिस वाज़ अबाउट द इंडियन कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट आई होप आपके लिए वीडियो आपकी स्टडीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में फीडबैक ड्रॉप कर सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय